as a professional life? I'm happy where I am. Always the case, I've always been happy where I am. Lot of prospects ahead, I'm looking forward to. And hopefully something more interesting, something new, something fresh. अभी रिपीट करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा तुम्हें भाई। बट आपके फैंस को क्या देखने मिलेगा, मूवी, टेलीविजन और एनी रियलिटी शो? देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं दो तीन चीज़ें चल रही हैं पाइपलाइन, आई डोंट नो व्हाट आई विल गो अहेड एंड डू, व्हाट आई विल फाइनलाइज ऑन, बट एवरीथिंग एनीथिंग दैट आई गोइंग टू डू, एवरीथिंग आई गोइंग फाइनलाइज ऑन, आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी गुड एंड आई एम होपिंग टू एंटरटेन पीपल एवरी डे। ओटीटी की खबरें आ रही है, इज इट आ रही है राइट रॉन्ग? मुझे भी खबरें आ रही है। ओके तो मैं कह रहा था कि लास्ट ईयर भी बहुत मज़ा आया था दूसरी बस के पार्टी में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबॉडी अगेन, इट्स बीन सम टाइम सिंस आई बीन आउट एंड मेट पीपल, तो अच्छा लग रहा है एंड मेरी वो इंश्योरेंस भी अच्छा लग रहा है। मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ और सपोर्ट की बात अगर मैं नहीं करूँ तो विद आई नॉट वॉच काफी नहीं, पहली बात तो सोशल मीडिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे किताबें पढ़ रहा हूँ और क्रिकेट कैसा पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, थैंक यू, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम बीइंग आउटडोर एंड इट्स फन, आई थिंक सोशल मीडिया गेट्स यू क्लस्टर्ड इन अ लॉट ऑफ वेज एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद इट। बायोपिक नहीं अभी तक नहीं, लेकिन अगर आएगी तो मज़ा आएगा। काफी चेंज किया आपने, अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया, चेंज किया हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गाना कुछ कर रहे हैं आप यार, लुक को बता दीजिए। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि लुक एक्सपेरिमेंट होता रहना चाहिए, दैट यू नो व्हेन यू गेट अ कैरेक्टर सच दैट यू कैन प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, एंड आई रियली आई एम समवन हु एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स विद माय लुक्स, हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ नए तरीके से अपने आप को, खुद को मिरर में जब देखता हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि कुछ नया किरदार है कोई, तो इस हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ मैं, कई चीज़ें खराब भी लगती हैं कभी कभी, कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कभी, आज मुझे लगता है कि अच्छा लगा है।